हेलो गाइस, दिस इज स्वाति फ्रॉम EME टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक और जो टॉपिक है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड होता है आप जो सर्वर्स हम यूज करते हैं, सर्वर्स के ग्रुप को हम क्लाउड कहते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, लाइक जो हमें सर्विसेज हैं, सपोज कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं या स्टोरेज सर्विसेज हैं, नेटवर्किंग सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज हमें जो है इंटरनेट पर मिलती हैं, जिनको हम रेंट आउट कर सकते हैं बजाय कि अपनी प्रेमिसेज में उनको सेटअप करने के, तो उनको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। सो लेट्स मूव टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नाउ। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि हमें जो सॉफ्टवेयर है वो हम रेंट आउट कर सकते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर से। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट टू एंड यूज क्लाउड बेस्ड एप्स ओवर द इंटरनेट। तो हमें क्या, लाइक एप्लीकेशंस जो हैं या सॉफ्टवेयर जो हैं वो हमें रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं, हमें उनको डेवलप नहीं करना पड़ता, उनको जो है उनका डेटाबेस उनको मेंटेन नहीं करना पड़ता, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होते हैं। तो हम उनको जस्ट यूज करते हैं, जस्ट आप लाइक वेब ब्राउजर पर जाते हो, आप उनको लाइक सपोज आप जीमेल यूज करते हो, तो आपने क्या किया, आपने मोज़िला फायरफॉक्स ऑन किया, फायरफॉक्स ऑन करके आपने gmail.com उसका URL लिखा एंड लॉगिन करके आप उसको ईमेल उसकी चेक कर सकते हो। जीमेल में लाइक जो आपकी लाइक मेल्स हैं, मेल अटैचमेंट्स हैं, आप उनको जो है वहीं पर चेक करके वहीं पर क्लोज कर सकते हो। और लेटर ऑन अगेन जब आप जीमेल में लॉगिन करते हो तो आपको वही मेल्स, वही अटैचमेंट्स वहीं के वहीं मिल जाते हैं, लेकिन आपने अपने वो सिस्टम पर सेव नहीं किए, वो कहीं रिमोट सर्वर्स पर वो सेव है, तो हमें उसके कोई चार्जेस भी नहीं इवन देने पड़ते हैं। तो वो क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसमें क्या है कि यू रेंट द यूज ऑफ एन ऐप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर यूजर्स कनेक्ट टू इट टू द इंटरनेट। All the underlying infrastructure, middleware and app software and app data are located in the service provider's data center. It means कि जो हमें सिर्फ software के लिए login करना है, हमें internet चाहिए, web browser चाहिए, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं like infrastructure है, middleware है, like वो उसकी securities हैं, कैसे protocols हैं, कौन से वो कैसे workout करेंगे, application का software है और जो data है वो सिर्फ वो जो सारा जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की हेडेक रहेगा, हमें उसमें से कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब इसमें क्या है, दैट सर्विस इज सो क्विक, आपको जो चीज़ चाहिए आपने जस्ट वो चीज़ के लिए लॉगिन किया, आपने वर्कआउट किया, उसको लॉग आउट कर दिया, तो हाउ क्विक इट इज। तो दिस इज द यू नो एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट है हम एडवांटेजेस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो है रीड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट इज गेन एक्सेस टू सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं लाइक जैसे वो पेड होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। जीमेल इज वेरी सिंपल एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशंस लाइक जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, लाइक ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लेटफॉर्म, और CRM है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है एप्लीकेशंस होती हैं, और इनको जो है यूज़ करना या डेवलप करना थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड पीपल का जो काम हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, हमें ये जो एप्लीकेशंस हैं ये रेडीमेड फॉर्म में जो है मिल जाती हैं, आप कभी भी उनको ऑनलाइन जाके यूज़ कर सकते हो, आपको उनको डेवलप नहीं करना पड़ता, बहुत ही इजी यूजर फ्रेंडली वे में वो बनाई जाती हैं। सेकेंड इज द पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। लाइक हमें जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जितने टाइम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उतना ही हमें जो है कंपनीज को पे करना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ता है। जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो सर्विस आप उनके यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। एंड लाइकवाइज
आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो. लाइक आज आपको स्टोरेज स्पेस की अगर बात करें, आज आपको 2 GB स्पेस चाहिए, कल आपको 100 GB स्पेस चाहिए, तो उसमें आपको कोई आपको अलग से सर्वर्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट योर सर्विस प्रोवाइडर कि आज आपको 100 GB स्पेस चाहिए और आपको वो जो है विद इन मिनट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी. थर्ड इज यूज फ्री क्लाइंट सॉफ्टवेयर. तो इसमें क्या है, लाइक आप जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डायरेक्टली जो है आपको मिल जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, गूगल की तरफ से. लाइक जीमेल की अगर बात करें एग्जांपल है, तो आपको वो जो है सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है गूगल प्रोवाइड करता है. आपको डाउनलोड करने के, उस पर वर्कआउट करने का कोई जो है पे नहीं करना पड़ता, ना ही हमें कोई लाइक मंथली सब्सक्रिप्शन इवन लेना पड़ता है. तो ये काफ़ी एक अच्छी जो है बेनिफिट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का. नेक्स्ट है मोबाइलाइज योर वर्कफोर्स इजीली. लाइक जो है आप कहीं भी जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो इंटरनेट पर है. लाइक आप जीमेल अपने किसी भी डिवाइस पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर वर्जन को यूज़ कर सकते हो, इवन ब्राउज़र वर्जन को यूज़ कर सकते हो. तो कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पर यूज़ कर सकते हैं. एंड इसमें हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं होते क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका वो आपकी जो डेटा की सिक्योरिटी जो है उस पर जो है वॉच आउट रखता है. आपको उसमें कोई कंसर्न नहीं रहता, आपका डेटा हमेशा जो है वो सिक्योर हाथों में होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जांपल्स. फर्स्ट है सेल्सफोर्स. सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिसने सीआरएम में जो है सर्विसेज दी हैं कस्टमर्स को इंटरनेट के थ्रू. तो हमें इसमें क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो भी हमें चीज़ें चाहिए, लाइक कस्टमर्स के लिए इंफॉर्मेशन, हमारी उनके साथ मीटिंग्स, हमारी उनके साथ डील्स जो चल रही हैं कहाँ तक चल रही हैं, उनके पास हमने कोई जो ईमेल्स हमने भेजी हैं या भेजनी है, तो वो सब जो है उसमें आप मैनेज कर सकते हो सेल्सफोर्स में. नेक्स्ट है ऑफिस 365. ऑफिस 365 में क्या है, ये जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब तक यूज़ कर रहे हो, ऑफिस 365 उसी का एक जो है वर्जन है, इंटरनेट वर्जन है. आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पर आप यूज़ कर सकते हो. जस्ट आपको लॉगिन करना है. तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ये जो ऑफिस 365 है हमें ये अवेलेबल होता है. नेक्स्ट है बॉक्स. बॉक्स जो है ये जो है एक मीटिंग प्लेटफॉर्म है. इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. फाइल्स शेयरिंग इसमें की जा सकती है. 120 टाइप्स के फाइल्स इसमें जो है फॉर्मेट्स से जो है सपोर्ट किए जाते हैं. तो आप डाउनलोडिंग से पहले उसका फाइल फॉर्मेट चेक कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो इस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है. तो काफ़ी अच्छा है ये जो प्लेटफॉर्म है मीटिंग के लिए दिया गया है. नेक्स्ट है गूगल ऐप्स. गूगल ऐप्स में लाइक जीमेल जैसे आपको एक सर्विस मिली है, उसमें मेल सर्विस मिली है, तो उसके साथ ही गूगल आपको और सर्विसेज देता है. लाइक आपको स्टोरेज की सर्विस दी जाती है जिसमें गूगल ड्राइव आता है, आपको कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करने की सर्विस दी जाती है जिसमें कॉन्टैक्ट्स आ रहा है, कैलेंडर सर्विसेज दी जा रही हैं एक दूसरे के साथ, सोशल मीडिया के लिए आपको गूगल प्लस दिया जा रहा है. तो काफ़ी हमें ये सर्विसेज हैं जो गूगल की तरफ से दी गई हैं. एंड लास्ट है अमेजन वेब सर्विसेज. अमेजन है सर्विसेज दे रहा है अराउंड मोर देन 70 सर्विसेज अमेजन की तरफ से हमें मिल रही हैं, जिसमें कंप्यूटिंग आता है, स्टोरेज आता है, नेटवर्किंग आता है, मैनेजमेंट आता है, एंड फर्दर मोर बहुत सारी जो है एप्लीकेशन हमें जो है अमेजन की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं. तो ये सब था जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में. तो एक लास्ट लाइन में अगर हम कंक्लूड करें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको सर्विस की तरह सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जिनको आपको जस्ट लॉग इन करना है एंड यूज करना है. आपको बाकी और किसी चीज की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज EME Technologies. थैंक यू.